अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज बना रहे हम बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र डिज़ाइन भी कह सकते हैं और ये पोंचे का डिज़ाइन भी कह सकते हैं, जो बहुत ही नीट और फिनिशिंग के साथ बना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा, जिसमें हमने जॉइंट लेस और कलरफुल नलकियाँ यूज़ की हैं, कलरफुल धागे यूज़ किए हैं, और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही आसानी और फिनिशिंग के साथ बना है। चले जी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका बहुत शुक्रिया। ये देखिए जी, मैंने 17 इंच की लंबी पट्टी ली है। मुझे 16 इंच पोंचा तैयार चाहिए, इसलिए मैंने 17 इंच रखा है। आप अपने पोंचे के हिसाब से रख सकते हैं, और इसकी चौड़ाई है 1 इंच। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने दोनों साइड पर तिरछा 1 इंच का निशान लगा लिया है। अब हम अपने स्केल की मदद से इसको सीधा करेंगे। ठीक हो गया। इसको सीधा करने के बाद अब हम इसको तिरछा निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल तिरछे निशान चाहिए, बिल्कुल। देखें, अब उस स्केल की दूसरी साइड पर भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे, इस साइड पर भी और उस साइड भी, ताकि हमारे निशान सारे बिल्कुल सेम आए। जब हम सेंटर में जॉइंट लेस लगाएं तो हमारे निशान सारे आपस में मिलें तो ज़्यादा खूबसूरती आती है, इसलिए दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसे निशान लगाने हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों साइड एक निशान को नीचे इसकी स्केल के दबा देंगे और दोनों साइड पे बिल्कुल एक जैसा फासला रखते हुए दोनों साइड्स पे निशान लगाते जाएंगे। इसी तरह हमें तकरीबन 1 cm 2 cm का फासला रखना है, ज़्यादा फासला नहीं रखना, जितना क्लोज होता है उतना प्यारा लगता है। ये देखिए, एक निशान को नीचे दबाया और ये देखिए दोनों साइड्स पे ऐसे ही निशान लगाते जाना है, बहुत ही आसानी के साथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक निशान को नीचे दबाया, दोनों साइड्स पे निशान लगाया, अब इधर को आएंगे, अब फिर दोनों साइड पे एक जैसे फासला छोड़ के निशान लगाएंगे। इसी तरह करते करते हमने अपने सारे पैटर्न पे निशान लगा लेने हैं। ये देखें, और ये देखें पर्पल, ये रोजी, ग्रीन, ऑरेंज और ये डार्क पर्पल शेड। हमने 5 धागे ले लिए हैं, इन 5 धागों की हमें ज़रूरत है। ये 5 शेड जो हैं हमारे कमीज़ के पैटर्न में, कमीज़ जो है ना उसमें 5 कलर्स हैं, तो हम उसी से मिलता जुलता कलरफुल पोंचे का डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपके पास पैराशूट वाली नलकी नहीं भी है तो हम इसे गुजारा कर सकते हैं, और वैसे भी इससे बहुत प्यारी लुक आती है। ये देखिए, बहुत ही आसानी के साथ, फिर की को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा बस, ये निकल आएगा धागा ऊपर। ठीक है, और ये देखिए, अब हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ ढीले हाथों के साथ इसको सिलाइयाँ लगानी है। बार बार धागे को कटिंग नहीं करना, बस ऐसे ही 1-2 ढंग के आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने इस पूरे पैटर्न को ऐसे ही सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखें, जो हमने निशान लगाया था उसको फॉलो करते करते सारे पैटर्न में हमने ऐसे ही सिलाइयाँ लगा ली। जब तक हम ये लगाते हैं, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपका बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, हमारा पैटर्न बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको सेंटर से कटिंग कर देना है। ये जो हमारा पैटर्न है, हमने इसको सेंटर से कटिंग करना है। और लैस भी हमने सेंटर में लगानी है, साइडों वाली साइड पे हमने लैस नहीं लगानी, ये जॉइंट लैस हमने सेंटर पे ही लगानी है। ये देखिए, नीचे जो हमारी टफ बुकरम है उसके ऊपर आपकी स्टिच आना चाहिए,
उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। पहले हम हाथ की मदद से इसको सीधा करेंगे क्योंकि टफ बुकरम के ऊपर स्टिच है, वो थोड़ी हार्ड होती है। हाथ की मदद से पहले हम इसको बिठाएंगे, फिर प्रेस लगाएंगे और फिर इसके ऊपर फिनिशिंग वाले स्टिच लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई बैठ जाए सही से। अब हम इसी जॉइंट को दूसरे तरफ रखेंगे, जिस साइड से हमने कटिंग किया है उसी साइड पे हमने इसको अटैच करना है। ये जी हो गया है। अब इसको भी पहले हाथों की मदद से सीधा करेंगे, फिर प्रेस लगाएंगे और फिर इसके ऊपर फिनिशिंग जो हमारी स्टिच होगी वो लगाएंगे। ये देखिए जी, हो गया। ये मेरे दोनों पैटर्न, दोनों पांचों के पैटर्न बनके तैयार हैं। मैंने इसको प्रेस लगा लिया है। ये देखिए हमारे कलर सूट में कितने सारे कलर हैं। अब मैंने उस पैटर्न को उल्टा रखा है, जो हमने खुद बनाया है उसको हमने सीधा रखा है। हमने इसको टॉप स्टिच लगाया, ये देखिए जी। अब हम प्रेस की मदद से इसको फोल्ड कर लेंगे सही से और कटिंग कर लेंगे। जितना हमारा पैटर्न है उससे आधा इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई का हमने इसको कटिंग करके ट्राउज़र के साथ अटैच करके हमने इसको स्टिच कर देना है। ये देखें, अब इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए, ट्राउज़र की सीधी साइड की तरफ फोल्ड करते हुए, सिलाई को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इसको लगा देना है, स्टिच लगा देना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बना है और कितना प्यारा लग रहा है। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक हो गया। अब हम इसके नीचे लगाएंगे, अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम अपने आसन की सिलाई लगाएंगे। ये जी हमारी आसन की सिलाई लग चुकी है और ये देखिए कितनी प्यारी और फिनिशिंग लुक आई है। ये नीचे वो कलरफुल पट्टी लगाने का मकसद यही था कि हमने जो जॉइंट लेस लगानी है उसमें से भी वो कलर नज़र आए, तो ऐसे खूबसूरती में और इजाफा हो गया। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ आपने बना के ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।